नमस्ते व्यूअर्स, वेलकम टू अ वेरी स्पेशल एपिसोड ऑफ एलाज ईट बिट्स। आज हम दो हेल्दी स्नैक्स के बारे में बताने जा रहे हैं। आप मुझे पूछोगे क्यों स्नैक्स? वेल, बिकॉज इट इज विंटर, ढेर सारे वेजिटेबल्स मिलती हैं, तो इसकी उपयोग किया जाए अच्छे से, है ना। और ये हफ्ता बहुत बहुत खास है क्योंकि मेरे दो फ्रेंड्स के बर्थडेज हैं, दो वी कैन नॉट सेलिब्रेट दीज टू बर्थडेज टुगेदर। फिर भी इस एपिसोड से तो हम डेफिनेटली कनेक्टेड है आप सबके साथ। इन दोनों फ्रेंड्स के बारे में शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि हम एलाज ईट बिट्स में रिलेशनशिप्स और यू नो कनेक्टिविटी और रेसिपीज के बारे में बात करते हैं, हर चीज को साथ लाते हुए इस प्लेटफॉर्म में, सिर्फ आपके लिए, जस्ट आफ्टर द म्यूजिक। ये देखिए चीजी क्रीमी हरी हरी ताजी ताजी फ्रेश बेक्ड स्नैक्स जस्ट फॉर यू। जो रेसिपी है इट इज अ हेल्दी स्नैक, बेक करेंगे इसको। और अगर आपके घर में बेकिंग ओवन नहीं है, कोई परवाह नहीं, हम घर के सामान में बेक करेंगे, आप देखना कितना इजी रहता है। सो बेक्ड स्नैक विद बेल पेपर्स, स्टफ्ड बेल पेपर्स, ढेर सारे सब्जी यूज करेंगे इसमें। आप कॉलीफ्लावर, कैबेज, कैरेट, रेडिश, पालक, जो भी आपको सही लगे आप डाल सकते हो, कॉर्न ऑल्सो। एंड इसको थोड़ा सा सौते करेंगे, बेल पेपर में स्टफ करेंगे, उसमें चीज डालेंगे और बेक करेंगे। सिंपल सा, आसान सा तरीका एक स्नैक डिश के लिए। ये शबनम के लिए बनेगा बिकॉज शी इज अ लिटिल हेल्थ कॉन्शियस दीज डेज। And stay with me, I will share our experiences, our photographs, the places we've been together and the people we have met. So, let's go to the kitchen. ये देखिए कुछ easy available vegetables के साथ bell peppers के अंदर stuffed करेंगे। Vegetables को मैंने bell peppers को clean कर लिया, vegetables को chop कर लिया, थोड़े से तेल में इसको वेजिटेबल्स को डालेंगे और सॉल्ट एंड पेपर, आप बटर भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। और वेजिटेबल्स को डाल लिए, इसको कवर करके जस्ट 2 मिनट्स पकाना है क्योंकि ये जब बेक करेंगे ना उसमें अच्छे से फिर पक जाएगा। तो लेट मी यू नो सॉटी दिस अ लिटिल, और जैसे ही बन जाती है आई विल कवर इट। ये रहा मेरी घरेलू ओवन, एक पुरानी कढ़ाई है, इसको कब से सोच रही हूँ फेंकना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत बेकिंग और यू नो स्टीमिंग का काम आता है इसीलिए ये चल रहा है। तो बेल पेपर्स के नीचे मैंने मक्खन लगा लिया है, बटर, और इसमें ये सॉटेड वेजिटेबल्स डालेंगे और उसके ऊपर चीज स्लाइसेस डाल देंगे और इसको एग्जैक्टली 10 मिनट बेक करेंगे। बेक करने से पहले ये कढ़ाई को गर्म करके ढक के रखना है, उसके बाद फिर से आपका बेकिंग का सामान डाल के आप ढक लो, वो चीज़ मेल्ट हो जाएगा एंड दिस विल टर्न इनटू अ वेरी एरोमेटिक टेस्टी अमेजिंग स्नैक मेड इन अ जिफी। ये देखिए रेडी हो गई अपने स्टफ्ड बेल पेपर्स, टेस्टी हेल्दी इवनिंग बेक्ड स्नैक जस्ट फॉर यू। और ये आप टिफ़िन में भी दे सकते हो बच्चों को, अभी घर पे पढ़ाई हो रही है तो घर पे एक टिफ़िन डब्बा में बना के दे दो। चिल्ड्रन लव डेकोरेटिंग डेकोरेटिव थिंग्स, राइट, सो मेक द मोस्ट ऑफ इट। इन दोनों फ्रेंड्स के बारे में अगर आपको बताती हूँ तो आप सोचेंगे शबनम कैसे मेरे फ्रेंड हो सकती है। शी इज एब्सोल्युटली ऑपोजिट टू माय नेचर, बहुत काम, कंपोज्ड, यू नो सोच के बात करने वाली। शी हैज रीच्ड वेरी हाई पोजीशंस इन हर करियर एंड येट शी इज बीन वेरी हम्बल। उसके साथ मुझे लगता है एक चीज बहुत कॉमन है विच इज आर नेटवर्किंग स्किल्स। हम बचपन के दोस्त के साथ आज तक यू नो रिलेशनशिप रखे हुए हैं एंड दैट इज व्हाट शी आल्सो डज, बट शी गोज बियॉन्ड मी। उसके दोस्त शायद नर्सरी क्लास के फ्रेंड्स के साथ भी कनेक्शन है। और अगर आप शिवमंती के बारे में पूछते हो तो दैट इज अनदर फनी थिंग, व्हेन आई टॉक अबाउट शिवमंती इट इज व्हाट यू टू, यस
वी हैव सो मेनी थिंग्स इन कॉमन. हम एक जैसे बात करते हैं, एक जैसे सोचते हैं, ढेर सारे क्रोशे के काम करते हैं. वी गिफ्ट पीपल अ लॉट ऑफ क्रोशे वर्क, हाथ के किए हुए काम गिफ्ट देते हैं, रेसिपी शेयर करते हैं, बातें करते हैं. और एक चीज बहुत कॉमन है, वो है बाउंसिंग बैक. ये शब्द आप तो जरूर सुने होंगे. श्रीमती हैड सेरेब्रल अटैक सब इयर्स बैक. शी रिकवर्ड फ्रॉम इट. शी लॉस्ट हर 20 ईयर ओल्ड सन एंड दैट टू शी हैज ओवरकम. आई हैव लॉस्ट एला, यू ऑल नो, फिजिकली. एंड Shrimati has gifted Ella a beautiful crochet dress knitted which Ella wore even a couple of days before she left us. ये देखिए कितनी फ्रेश और ताजी लग रही है सैलड, है ना. ये ट्रस्ट मी इज गोइंग टू बी वेरी वेरी टेस्टी. और आप देख ही रहे हैं कितने सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं. इसको हम अच्छे से प्रिपेयर करना करेंगे. पहले तो क्यूकम्बर को काट लेंगे, छील के चिली फ्लेक्स बना लेंगे. ऑरेंज का जूस निकालना पड़ेगा, एक लेमन का भी जूस निकालना पड़ेगा. अनियन को स्लाइस करके देखिए कैसे यूज़ करते हैं. और पहले तो सेसमी को रोस्ट कर लेते हैं हल्के आंच में, दैट इज़ स्लो टू मीडियम हीट में इसको रोस्ट करना पड़ेगा. क्यूकम्बर को बीच से स्लिट करेंगे. उससे पहले इसका स्किन निकाल लेंगे, पूरा नहीं निकालेंगे, ऐसे छोड़ेंगे सो दैट इट लुक्स नाइस एंड प्रिटी. अनियन को स्लाइस कर लिया, इसमें गर्म पानी डालेंगे और इसको अच्छे से सोक करेंगे ताकि ये पंजेंट अनियन स्मेल निकल जाए. ये सैलड थोड़ा स्वीट एंड सार में होगा, दैट इज़ वाई वी डोंट वॉन्ट द पंजेंट स्मेल ऑफ द अनियन, राइट. ये रहा पेपर चला गया, चिली फ्लेक्स, अ लिटल सॉल्ट, हनी डालेंगे 1 स्पून, दैट इज़ द मैजिक इंग्रेडिएंट. लेमन जूस डाल दिया, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें ऑरेंज जूस भी मिला लेंगे. ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया. हाँ, द शुगर एंड सॉल्ट क्वोशन इज़ परफेक्ट. रोस्टेड सेसमी सीड्स चले गए इसके अंदर. अब इसमें क्यूकम्बर डाल देंगे और अच्छे से क्यूकम्बर को सोक करने देंगे इस जूस में. आप इस सैलड को ना 1 घंटे पहले बना लेना और इसको फ्रिज में डाल देना. जितना क्यूकम्बर इसके जूसेस को सोक करेगा ना, इट विल टेस्ट ऑसम. और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे. अभी थोड़ी सी बाकी है मेरे दोस्त. ये देखिए अनियन को पानी से निकाल के इसको डालेंगे. अभी इसके पंजेंट स्मेल चला गया. दिस इज़ गोइंग टू बी नाइस एंड स्वीट विद द जूसेस दैट आर ऑलरेडी मिक्स्ड इन द सैलड. आई एम श्योर यू आर गोइंग टू लाइक इट. इट्स अ वेरी वेरी टेस्टी सैलड. अभी विंटर सीजन है, ऑरेंजेस लेमन अबंडेंस में मिल रही है. इसमें आप ग्रीन चिली भी डाल सकते हो, धनिया भी डाल सकते हो. द चॉइस इज योर्स. Two healthy recipes, two healthy snacks. You just saw it. और secret ingredient के बारे में तो आपको पता चल ही गया. मेरी favorite fruit. Next episode में ढेर सारे orange के desserts के recipes आएंगे. Be there. And I'm sure you enjoyed today's recipes. आपको ये भी पता चला कि एक colleague बहुत अच्छा दोस्त बन सकता है. एक friend जो है सीमेंट की तरह होती है, हर रिलेशन को बांध के रखते हैं और उसमें अच्छी अच्छी डिजाइनें क्रिएट करते हैं, राइट. सो आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव सच ब्यूटीफुल पीपल इन माय लाइफ. फ्रेंड्स आर ट्रूली अ ब्लेसिंग. बचपन में एक सुने थे, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड. एंड दैट गोज व्हेन आई काउंट माय ब्लेसिंग्स एवरी डे, आई ट्रूली काउंट द फ्रेंड्स आई हैव इन माय लाइफ. सो ऑन दैट नोट, बाय फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड. हाँ, जाने के पहले अगर आप फर्स्ट टाइमर हो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि यू नो हर वीक आपको नया नया रेसिपी की खबर मिले, है ना. एंड थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर लविंग अस सो मच. लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम एलाज नानी, एलाज ईट बिट्स. बाय फॉर टुडे.
एंड प्लीज रिमेंबर टू विश माई फ्रेंड्स अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे।